हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू निमानिस किचन। आज हम बनाने वाले हैं आलू लच्छा नमकीन। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, आलू लच्छा नमकीन कितना टेस्टी दिख रहा है। आपने मार्केट का तो बहुत बार खाया होगा, पर इस बार आप इसे घर में बनाकर देखें, बहुत ही आसानी से बनता है। आप इसे फास्टिंग में भी बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। आलू लच्छा नमकीन बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी देख लेते हैं। यहाँ मैंने लिए हैं 5 आलू, इसे मैंने पिल कर लिया है। 1/4 कप बादाम, इसे इस तरह से 2 टुकड़ों में डिवाइड कर लिया है। 1/4 कप मूंगफली दाने, 1/4 कप साबूदाना लिया है, ये लार्ज साइज साबूदाना है। 1/4 कप काजू, 1/4 कप किशमिश करी लीव्स, 2 चम्मच पाउडर शुगर, 1/4 टीस्पून से थोड़ा कम काली मिर्च, सॉल्ट टू टेस्ट, ये मैंने सादा नमक यूज़ किया है। अगर आप इसे फास्टिंग के लिए बनाएं तो आप इसमें रॉक सॉल्ट या सेंधा नमक का यूज़ करें। तो सबसे पहले हम आलू को ग्रेट करेंगे। ये ग्रेटर है, इसमें जो मोटा वाला है हम इसमें इसे ग्रेट करेंगे। इस तरह से हमें इसे मोटा मोटा ग्रेट करना है। तो ये जो आलू है इसे ग्रेट कर लिया है और इस तरह से पानी में डाल दिया है, इससे जो इसका स्टार्च है वो सारा रिमूव हो जाएगा पानी में। इसे हम ड्राई करेंगे। तो यहाँ एक टॉवेल लिया है मैंने, इस पर हम जो लच्छे हैं उसे इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। जो इसमें एक्स्ट्रा वाटर है वो ड्राई हो जाए, इसे इस तरह से हल्के हाथों से जो एक्स्ट्रा पानी है उसे पोंछ लेंगे हम। मैंने इसे एक दूसरे कपड़े पर ट्रांसफ़र कर दिया है। जो आलू है बिल्कुल कितने बढ़िया तरीके से ड्राई हुए हैं, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। अब हम इसे करेंगे डीप फ्राई। डीप फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पैन में ऑयल गरम कर लिया है। ध्यान रखें कि ऑयल बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए, लो फ्लेम ना रखें। इससे क्या होगा, जो लच्छे वो एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे, क्रिस्पी नहीं रहेंगे। तो आप मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही इसे डीप फ्राई करें। इसे बीच बीच में इस तरह से चलाते रहें। इसमें हमें लगभग 2 से 3 मिनट लगेगा इसे फ्राई करने में, क्योंकि बिल्कुल हो गए हैं। अब हम फ्लेम लो कर देंगे और इस तरह से एक स्ट्रेनर में इसे निकालेंगे, ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसी पैन में रह जाए। तो हम इसी तरह से बाकी लच्छे को भी डीप फ्राई करेंगे। तो देखिए, जो लच्छे हैं मैंने डीप फ्राई कर लिए हैं। एक लच्छा आपको मैं तोड़ के दिखा दे, देखिए किस तरह से टूट रहा है एकदम। तो हम बाकी की चीज़ें भी डीप फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ हम मूंगफली दाने को डीप फ्राई करेंगे। तो बिल्कुल मूंगफली दाने भी हो गए हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे। के बाद हम इसमें साबूदाना फ्राई करेंगे। इसे लगभग आधा मिनट तक लो फ्लेम पर इस तरह से रहने दें ऑयल में, ताकि जो इसके जो लाई है वो अच्छी तरह से फूट जाए। उससे क्या होगा, जो साबूदाने एकदम कड़क नहीं रहेंगे, थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये लगभग हो गए हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे करी लीव्स और इसे भी कर लेंगे फ्राई। अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे। तो जो डीप फ्राई करने की चीज़ें थी वो हमने डीप फ्राई कर ली है, और जो ड्राई फ्रूट है हम उसे शैलो फ्राई करेंगे। तो यहाँ एक पैन में 2 छोटे चम्मच मैं तेल ऐड कर रही हूँ। अब हम इसमें ऐड कर देंगे काजू, बादाम और ये किशमिश। लगभग 1 से 2 मिनट लगेगा इसे फ्राई करने में। तो देखिए, 2 मिनट हो गए हैं और ये अच्छी तरीके से फ्राई हो गए हैं। कुल जो हमारे नमकीन बनाने की चीज़ें रेडी हैं। यहाँ मैंने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये आलू। इसके साथ में इसमें ऐड करूँगी साबूदाने, मूंगफली दाने, ड्राई फ्रूट, करी लीव्स, काली मिर्च पाउडर, शुगर पाउडर, नमक और एक स्पून की हेल्प से इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे।
आलू लच्छा नमकीन बनकर तैयार है। आप इसे फास्टिंग में खाएं, इवनिंग स्नैक्स के रूप में लें, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे एयर टाइट डब्बे में फॉर अ मंथ स्टोर करके रख सकते हैं। तो आप इसे ट्राई करें और कमेंट कर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हेल्दी खाएं, हेल्दी रहें और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखें। बाय बाय।